नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक राजस्थान की नई भर्ती के बारे में। बहुत दिनों पहले भी ये वैकेंसी आई थी, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ कारणवश इसको रद्द कर दिया जाता है और एक बार फिर इस भर्ती का नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया है। इस वीडियो में हम इसी भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कब से कब तक फॉर्म भरी जाएगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी आपकी फीस लगेगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस भर्ती के बारे में हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस भर्ती के बारे में हम आपको बता दें कि ये भर्ती है जो हमारे राजस्थान के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है विद्यार्थियों, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये भर्ती निकली है। इसका आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं इस भर्ती के बारे में। तो देखते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, भर्ती का नाम है नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट भर्ती 2023। मतलब नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इस भर्ती के बारे में, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, हम पद की बात करें सबसे पहले तो नर्सिंग ऑफिसर के इसके अंदर पद है 7020 पद है इसके नर्सिंग ऑफिसर के इस वैकेंसी के अंदर। फार्मासिस्ट की बात करें तो 2859 पद है फार्मासिस्ट के। पहले इसके अंदर पद थे 3309, लेकिन ये भर्ती को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद फार्मासिस्ट के है 2859 पद। कुल पद की बात करें तो 9879 पद है कुल इस वैकेंसी के अंदर, जो उसका नोटिफिकेशन आज ही आपको जारी कर दिया गया है, आज ही इसका नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है। हम एक बार इसकी योग्यता की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो योग्यता है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 12वीं पास और इसके जो समकक्ष जो आपके पास है वो इसकी है, और दूसरा है जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब जीएनएम कोर्स किए हुए हो और इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर में क्या भर सकते हैं, फॉर्म, और रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, और आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर। ये तो है नर्सिंग ऑफिसर की क्या है क्वालिफिकेशन। बात करें फार्मासिस्ट की तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी के अंदर, मतलब फार्मेसी किए हुए आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, आप फार्मासिस्ट के अंदर क्या भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब कुल पद आपको मैंने बता दिए 9879 क्या है इसके अंदर कुल पद है। फॉरम दिनांक की बात करें, फॉरम कब से कब भरे जाएंगे तो 5 मई 2023 से लेकर के 4 जून 2023 तक क्या भरे जाएंगे, इसके फॉरम भरे जाएंगे, मतलब 5 मई से लेकर के 4 जून 2023 तक आपके क्या भरे जाएंगे, फॉरम भरे जाएंगे। कब से? 5 मई से 4 जून तक। तो विद्यार्थियों, आपको अभी 5 मई को अगर फॉरम स्टार्ट होते हैं तो तुरंत आपको फॉरम भरना है। जैसे अभी तो फॉरम भरने में जो स्टार्ट होने में भी टाइम है, तो आप जब भी इसके फॉरम भरे बिना देरी किए हुए आप इसका फॉरम जरूर भरे, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो। बात करें आयु की तो आपकी न्यूनतम आयु है जो कितनी, 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु की बात करें तो आपकी मैक्सिमम आयु क्या होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। और आपकी आयु कब तक गिनी जाएगी, 1 जनवरी 2023 को आपकी मिनिमम हो जानी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम हो जानी चाहिए 40 वर्ष। और आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी, जैसे एससी एसटी को 5 वर्ष के लिए और ओबीसी को कितने, 3 वर्ष के लिए क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो आरक्षित वर्ग को जिसके नियमानुसार छूट दी जाती है वो छूट मिलेगी किसको, आरक्षित वर्ष को, तो आरक्षित वर्ग को। तो आपकी मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष है, मैक्सिमम कितनी है, 40 वर्ष है, ठीक है। अब हम इसकी फीस की बात करें, ठीक है विद्यार्थियों, सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की कितनी है, सामान्य वर्ग एवं सामान्य राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की कितनी है, 500 रुपए। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस की फीस कितनी है, 350 रुपए, 350 फीस है ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। विधवा एससी एसटी विच्छिन्न विवाह महिला सभी वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, सभी वर्ग के विद्यार्थी जिनकी आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम है, तथा टीएसपी क्षेत्र के एससी एसटी एवं 12 जिले के शहरिया की कितनी है, 250 रुपए क्या है आपकी फीस लगेगी,
ठीक है विद्यार्थियों, एससी एसटी और जो विधवा है, जो विकलांग है, जो विच्छिन्न महिला है, ठीक है विवाह विच्छिन्न महिला है, सभी वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय कितनी है 2.5 लाख से कम है, तथा टीएसपी क्षेत्र में एससी एसटी एवं 12 जिले के सहरिया, 12 जिले के सभी तहसीलों के सहरिया की फीस कितनी है 250 रुपए है। तो ये इस वैकेंसी के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया, कब आपके फोरम स्टार्ट होने, फोरम की डेट मैंने बता दी 5 मई से 4 जून तक आपके फोरम भरे जाएंगे। कुल पद की बात करें 9879 क्या है कुल पद, नर्सिंग ऑफिसर के 7020 पद है और फार्मासिस्ट के है 2859 पद है। फीस मैंने बता दी, जनरल की 500 रुपए फीस है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की 350 रुपए है, और एससी एसटी विधवा और टीएसपी क्षेत्र के एससी एसटी और 12 जिले के सहरिया और जिनकी सभी वर्गों के जिनकी वार्षिक आय माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है उनकी फीस भी कितनी लगेगी 250 रुपए लगेगी। मैंने क्वालिफिकेशन आपकी बता दी, नर्सिंग ऑफिसर के लिए सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसके समकक्ष होना चाहिए, और दूसरी है जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्टर होना चाहिए। फार्मासिस्ट की बात करें तो आप फार्मेसी का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये हमने आपको नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के बारे में बताया, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर विद्यार्थियों आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसी की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। आई होप आप इसकी तैयारी पहले से भी कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, इसके फोरम भी की डेट भी आ चुकी है, 5 मई से 4 जून तक इसके फोरम भरे जाएंगे, बहुत ही जल्दी इसकी एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, जिसकी सूचना आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर दी जाएगी। अगर हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। ओके, धन्यवाद।